नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर से स्वागत है ऑनलाइन मंडी भाव यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर। जिन किसानों ने 2020 में फसल बीमा करवाया था, उनका बीमा राशि आने को था, लेकिन किसी कारण पेंडिंग डिसीजन रहा है। वही दोस्तों, हमें RTI भी लगाई थी फसल बीमा संबंधी जानकारी को लेकर, क्या फसल बीमा आवंटित होगा, उसका क्या जवाब आया इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा दे, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। वही दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जरूर बताया, ताकि हमारा हौसला बने रहे, ताकि ऐसी जानकारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकालते रहे। तो दोस्तों, बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। 2019 में सभी किसानों को बीमा का लाभ मिला था, कुछ किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिला था तो उन्हें बाद में मिल गया था। कुछ किसानों ने डॉक्यूमेंट से वेरीफाई नहीं करवाता तो 6 महीने उनको उसका लाभ मिल गया। तो दोस्तों, बात करें 2020 की खरीफ बीमा योजना की, तो लगभग बीमा कंपनी की तरफ से बीमा क्लेम किया गया है। तो दोस्तों, अब देरी यहाँ प्रशासन की तरफ से हो रही है। यदि प्रशासन चाहे तो हमें कल ही या परसों बीमा राशि आवंटित हो सकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ चुनावी समस्याओं को लेकर भी सियासत चरम सीमा पर है। तो दोस्तों, वही कोविड का भी हवाला दिया जा रहा है और कोविड के कारण भी डिसीजन पेंडिंग रखा गया है। वही कुछ किसानों संगठनों के द्वारा फसल बीमा योजना का आंदोलन किया गया था, जिसके कारण यहाँ बड़े प्रभाव देखने को मिल रहे। वहीं बड़े अधिकारियों और बड़े नेताओं का कहना भी है कि जल्द ही किसानों को अभी फसल बीमा का लाभ मिलेगा, लेकिन दोस्तों अभी तक तारीख अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान भी की तरफ से भी अनाउंस कर देते हैं, लेकिन उनका भी अभी तक हमें प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर कोई पहल नहीं दिखी है। तो किसान भैया, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों आपके यहाँ भी बीमा हुआ था ये भी बताएं। दोस्तों, अभी तक बीमा कंपनी की तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, बीमा कंपनी एग्री है बीमा राशि अलॉट करने के लिए, बाकी प्रशासन की तरफ से बैठे हैं इशारे के लिए। सो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप कौन से ज़िले से हो ये भी बता सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।